नमस्ते बच्चों, लीप फॉर वर्ड से मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वरूपा, और हर सप्ताह हम लेकर आते हैं खास आप सभी बच्चों के लिए मजेदार कहानियां और कुछ नए शब्दों की श्रृंखला। तो फिर एक बार मैं आप सभी के साथ जुड़ रही हूं आज के कहानी सत्र में। बच्चों, आज आपके साथ हमारा ये दिवाली स्पेशल सेशन है। पिछले सत्र में हमने लाइब्रेरी की किताब से स्मेल एंड साउंड और लुक्स कैन बी डिसेप्टिव ये दो कहानियां देखी। उन कहानियों में उपयोग किए गए कठिन शब्दों को और उनके अर्थों को भी समझा, साथ ही इलेक्शन संबंधित शब्दों को भी देखा और उनके अर्थ समझे। आज के सत्र में हम कुछ थीम बेस्ड शब्द देखेंगे। हम लाइब्रेरी की किताब से दो दिलचस्प कहानियां सुनेंगे और हम उन कहानियों पर आधारित कुछ प्रश्न भी देखेंगे। इस प्रारूप के प्रत्येक सत्र में हम कई नई और दिलचस्प बातें सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अंग्रेजी का जादुई सफर। शुरुआत करते हैं लाइब्रेरी की किताबों से। हमारी पहली कहानी है द शेरा, द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। इन अ स्मॉल विलेज देयर वाज अ बिग स्टेज शो कॉल्ड रामलीला। राघव एंड हिज फ्रेंड्स वर वॉचिंग इट केयरफुली। एवरी ईयर दे वुड बर्न अ बिग स्टैचू ऑफ रावण द बैड किंग। When Lord Rama's arrow hit Ravan, the huge statue caught fire and everyone cheered loudly. Raghav was curious and asked his grandma, "Grandma, we burn Ravan every year, but why don't all the bad things go away?" Grandma smiled and said, "Dear, Dashera is a symbol of victory of good over evil, but the real Ravan is within us. Our anger, pride and greed, etc. Dear, Dashera inspire us to burn away the evils within ourselves." Raghav thought and promised, "I will try to get rid of the evils within me so that I can become a better person." From that day, Dashera became more than just a festival of burning Ravan statue for Raghav. It became a reminder for him to be a better person. He learned that the real victory is not just outside, but inside us too. Moral: Dashera teaches us to not only defeat external evil, but also to improve ourselves by removing negative traits from within. अब देखते हैं हिंदी में इस कहानी का अर्थ क्या है। दशहरा, the victory of good over evil, यानी कि दशहरा, अच्छाई की बुराई पर जीत। In a small village, there was a big stage show called Ramlila. एक छोटे से गांव में रंगमंच पर रामलीला हो रही थी। राघव एंड हिज फ्रेंड्स वर वॉचिंग इट केयरफुली। राघव और उसके दोस्त ध्यान से रामलीला देख रहे थे। एवरी ईयर दे वुड बर्न अ बिग स्टैचू ऑफ रावण द बैड किंग। हर साल की तरह इस साल भी रावण का बड़ा पुतला जलाया जा रहा था। When Lord Ram's arrow hit Ravan, the huge statue caught fire and everyone cheered loudly. जब भगवान राम का तीर रावण को लगा, तो रावण का बड़ा पुतला जलने लगा और सभी लोग जोर जोर से खुश होकर जयकारा लगाने लगे। Raghav was curious and asked his grandma, "Grandma, we burn Ravan every year, but why doesn't all the bad things go away?" राघव के मन में जिज्ञासा पैदा हुई और उसने अपने दादी से पूछा, "दादी, हम हर साल रावण को तो जलाते हैं, किंतु संसार से सारी बुराइयां खत्म क्यों नहीं होती?" ग्रैंडमा स्माइल्ड एंड सेड, "डियर, दशहरा इज अ सिंबल ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल." दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, "बेटा, दशहरा बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है इस बात का प्रतीक है। बट द रियल रावण इज विथिन अस, आर एंगर, प्राइड एंड ग्रीड एक्सेट्रा। लेकिन असली रावण तो हमारे अंदर है, हमारा क्रोध, घमंड और लालच इत्यादि। डियर, दशहरा इंस्पायर्स अस टू बर्न अवे द एविल्स विथिन अस। बेटा, दशहरा हमें ये प्रेरणा देता है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को जला दें। राघव थॉट एंड प्रॉमिस्ड, "आई विल ट्राई टू गेट रीड ऑफ द एविल्स विद इन मी सो दैट आई कैन बिकम अ बेटर पर्सन." राघव ने सोचा और वादा किया
कि मैं अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करूंगा, जिससे कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बन सकूंगा। From that day, Dashera become more than just a festival of burning Ravan statues for Raghav. उस दिन से राघव के लिए दशहरा सिर्फ रावण का पुतला जलाने का त्योहार नहीं रहा। It became a reminder for him to be a better person. अब ये उसे याद दिलाता है कि उसे एक बेहतर व्यक्ति बनना है। He learned that the real victory is not just outside, but inside us too. और उसने सबसे महत्वपूर्ण सीख सीखी, वो क्या है? उसने सीखा कि सच्ची विजय केवल बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। Moral: Dashera teaches us to not only defeat external evil, but also to improve ourselves by becoming negative traits from within. इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? दशहरा हमें केवल बाहरी बुराई को नहीं, बल्कि अपने अंदर की नकारात्मक प्रवृत्तियों को भी दूर कर खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको मजा आया? अब आइए देखते हैं इस कहानी में से कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। हमारा पहला शब्द है क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु। अगला शब्द है विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री यानी कि विजय। अगला शब्द है एविल, EVIL, एविल यानी कि बुराई। अगला शब्द है सिंबल, SYMBOL, सिंबल यानी कि प्रतीक। अगला शब्द है ग्रीड, GREED, ग्रीड यानी कि लालच। अगला शब्द है प्राइड, PRIDE, प्राइड यानी कि गर्व। अगला शब्द है इंस्पायर्स, INSPIRES, इंस्पायर्स यानी कि प्रेरित करना। अगला शब्द है रिमाइंडर, REMINDER, रिमाइंडर यानी कि याद दिलाने वाला। अगला शब्द है एक्सटर्नल, EXTERNAL, एक्सटर्नल यानी कि बाहरी। अगला शब्द है ट्रेट्स, TRAITS, ट्रेट्स यानी कि गुण। बच्चों, जब आप इन शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ जान ही गए हैं, तो आइए इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न देखें और आपको मुझे इनके उत्तर इन पैराग्राफ की सहायता से देने होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इवेंट वर राघव एंड हिज फ्रेंड्स वॉचिंग इन द विलेज? एंड द ऑप्शंस आर ए अ मूवी, बी रामलीला और सी अ डांस शो। Next question, what happens every year during the Ramlila in the village? And the options are A, they perform a dance, B, they have a feast, or C, they burn a big statue of Ravan. Next question, what question did Raghav ask his grandma? And the options are A, why do we celebrate Dashera? B, why does Lord Ram shoot arrows? Or C, why don't all the bad things go away even after burning Ravan? Next question, what did Raghav's grandmother say the real Ravan represents? A, inner evils like anger, pride and greed. B, bad people in the village. Or C, fear and sadness. Next question, what does Dashera teach us according to the moral of the story? And the options are A, to only celebrate festivals with family. B, to defeat both external and internal evils. Or C, to win over others in competition. अरे वाह, आपने तो सभी प्रश्नों के सही जवाब दिए। चलिए अगले भाग पर चलते हैं। अब हम कुछ थीम बेस्ड शब्द देखेंगे और आज की हमारी थीम है दिवाली। आज हम दिवाली से जुड़े कुछ नए शब्द देखने जा रहे हैं।
हमारा पहला शब्द है बॉन्डिंग, BONDING। बॉन्डिंग का मतलब है संबंध बनाना या संबंध। दोस्तों, हम दिवाली पर क्या करते हैं? हम अपने दोस्तों के साथ दिवाली मनाते हैं। हम मिठाइयों को लेकर उनके घर जाते हैं और उन्हें मिठाइयाँ देते हैं। इससे क्या होता है कि हम उनसे और उनके परिवार से रिश्ते मजबूत करते हैं, इससे संबंध बनता है। अगला शब्द है टुगेदरनेस, TOGETHERNESS। टुगेदरनेस मतलब एकता या एकत्रित पना। टुगेदरनेस मतलब एकता। बच्चों, कोई भी त्योहार हो, हम सब मिलकर हमारे परिवार वालों के साथ मिलकर मनाते हैं, है ना? अगला शब्द है ब्लेसिंग्स, BLESSINGS। ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद। त्योहारों के दिनों में हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, हमारे माता पिता, दादी दादा, चाचा चाची आदि। अगला शब्द है वर्शिप, वर्शिप मतलब पूजा करना। जैसे हम दिवाली में देवी लक्ष्मी सरस्वती जी की पूजा करते हैं, उस दिन हम देवी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे घर को धन संपत्ति से भर दे। वर्शिप मतलब पूजा करना। अगला शब्द है सेरिमोनियल प्रेयर, CEREMONIAL। इसे कहते हैं सेरिमोनियल, PRAYER, प्रेयर। बच्चों, मुझे मालूम है कि आपके लिए ये एक नया शब्द है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है। सेरिमोनियल प्रेयर यानी कि आरती। आपको कोई लोग आरती के लिए बुलाए तो उनसे जरूर पूछना, क्या आप मुझे सेरिमोनियल प्रेयर के लिए बुला रहे हो? बच्चों, आपको तो पता है कि आरती क्या होती है। आरती भगवान की स्तुति में की गई एक काव्य रचना है। अगला शब्द तो आपको सभी को पसंद है और वो है फायरवर्क्स। फायरवर्क्स मतलब फटाके। दोस्तों, ये आपका पसंदीदा शौक है और हमें ये मालूम है, लेकिन इससे वायु प्रदूषण होता है। तो आइए इस साल हम कम वायु प्रदूषण करने का संकल्प ले ले। अगला शब्द है जॉय, JOY, जॉय मतलब आनंद। अगला शब्द है यूनिटी, UNITY, यूनिटी मतलब एकता। अगला शब्द है गैदरिंग, GATHERING, गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना। त्योहारों के मौके पर हमारे सभी रिश्तेदार एक साथ इकट्ठा होते हैं, तब बड़े खुशी से मिलकर त्योहार मनाते हैं। अगला शब्द है स्पार्कल, SPARKLE, स्पार्कल मतलब चमचमाना। दोस्तों, दिवाली पर आपने छुरछुरी और चक्री तो जरूर जलाई होगी। जैसे तारे चमचमाते हैं, वैसे ही वे जलते समय दिखते हैं। अगला शब्द है इल्यूमिनेट, ILLUMINATE, इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब है प्रकाशित करना। दिवाली पर हम जो लाइटिंग करते हैं, उससे हमारा घर आंगन जगमगा उठता है, उसे इल्यूमिनेट कहा जाता है। अगला शब्द है रेडियंस, RADIANCE, रेडियंस मतलब तेज या फिर प्रकाश। अगला शब्द है लाइट, LIGHT, लाइट मतलब प्रकाश। दिवाली रोशनी का त्योहार है। दिवाली असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। ये प्रकाश हमें हमारे जीवन के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। अगला शब्द है गुडनेस, GOODNESS, गुडनेस यानी कि अच्छाई। अगला शब्द है हार्मनी, HARMONY, हार्मनी मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत को हार्मनी कहा जाता है। अगला शब्द है होप, HOPE, होप मतलब आशा। अगला शब्द है प्रॉस्पर्टी, PROSPERITY, प्रॉस्पर्टी मतलब समृद्धि। दिवाली में हम देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे धन और समृद्धि मांगते हैं। अगला शब्द है कल्चरल हेरिटेज, CULTURAL, कल्चरल, और हेरिटेज यानी कि HERITAGE, हेरिटेज यानी कि विरासत। कल्चरल हेरिटेज यानी कि सांस्कृतिक विरासत। हम अपने रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करके उन्हें संरक्षित करते हैं। अगला शब्द है फैमिली, FAMILY, फैमिली। फैमिली यानी कि परिवार। और हमारा आखिरी शब्द है फायर, FIRE, फायर मतलब आग। बच्चों, इन शब्दों का उचित उच्चारण और अर्थ तो हमने देख लिया। चलिए अब लाइब्रेरी की किताब से एक नई कहानी देखते हैं, और इस कहानी का नाम है द काइंडनेस ऑफ अ लिटिल गर्ल। वंस अपॉन अ टाइम इन अ विलेज ऑफ अ सुंदर नगर, देयर लिव्ड अ चीयरफुल लिटिल गर्ल नेम्ड अनन्या। दिवाली वॉज हर फेवरेट फेस्टिवल।
filled with light, sweets and joy. She loved decorating her house with colorful rangoli and bright diyas. As Diwali approached, Ananya and her mother prepared sweets and decorations. One day, while decorating outside, she noticed an elderly woman sitting alone on a bench looking sad. Curious, Ananya approached her and asked, "Auntie, why are you so sad?" The woman replied, "I live alone and don't have anyone to celebrate Diwali with. I wish I could buy sweets or decoration." Feeling sorry for her, Ananya said, "You don't have to be alone. Please come to my house and celebrate with us. We can decorate together." The woman smiled, surprised by Ananya's kindness, and agreed to join her. At Ananya's house, they made more sweets and decorated together, filling the home with warmth and laughter. On Diwali night, as they lit diyas and enjoyed sweets, the elderly woman said, "Thank you, Ananya. You have made my Diwali special." Ananya replied, "Your happiness is what matters most. Sharing joy is the true spirit of the festival." Moral: the feeling of kindness to others and giving them happiness creates an ideal character. अब देखते हैं कि हमारी हिंदी में इसका मतलब क्या है। कहानी का नाम है The Kindness of a Little Girl, यानी कि एक छोटी लड़की की दयालुता। Kindness यानी कि दयालुता। Once upon a time, in the village of Sundarnagar, there lived a cheerful little girl named Ananya. एक बार की बात है, सुंदरनगर नामक एक गांव में एक हसमुख छोटी लड़की अनन्या रहती थी। दिवाली वॉज हर फेवरेट फेस्टिवल। दिवाली उसका पसंदीदा त्योहार था, फिल्ड विथ लाइट, स्वीट्स एंड जॉय, जिसमें रोशनी, मिठाइयाँ और खुशी होती थी। शी लव डेकोरेटिंग हर हाउस विथ कलरफुल रंगोली एंड ब्राइट दियाज। उसे अपने घर को रंग बिरंगी रंगोली और चमकीले दियो से सजाना बहुत पसंद था। As Diwali approached, Ananya and her mother prepared sweets and decoration. जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही थी, Ananya और उसकी माँ मिठाइयाँ और सजावट की तैयारी कर रही थी। One day, while decorating outside, she noticed an elderly woman sitting alone on a bench looking sad. एक दिन जब वो बाहर सजावट कर रही थी, तो उसने एक बूढ़ी महिला को बेंच पर अकेले बैठा देखा जो उदास लग रही थी। क्यूरियस अनन्या अप्रोच्ड हर एंड आस्क्ड, "आंटी, व्हाई आर यू सो सैड?" अनन्या ने उनके पास जाकर पूछा, "दादी, आप उदास क्यों हो?" द वुमन रिप्लाइड, "आई लिव अलोन एंड आई डोंट हैव एनीवन टू सेलिब्रेट दिवाली विद। आई विश आई कुड बाय स्वीट्स और डेकोरेशंस." महिला ने कहा, "बेटा, मैं अकेली रहती हूँ। दिवाली मनाने के लिए मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। काश मैं मिठाइयाँ और सजावट का सामान खरीद पाती." Feeling sorry for her, Ananya said, "You don't have to be alone. Please come to my house and celebrate with us." Ananya को उन पर दया आई और उसने कहा, "आपको अकेला नहीं रहना चाहिए। कृपया मेरे घर आइए और हमारे साथ दिवाली मनाइए। We can decorate together. हम साथ में सजावट करेंगे." The woman smiled, surprised by Ananya's kindness and agreed to join her. Ananya की दयालुता देखकर महिला मुस्कुराई और उसके साथ आने के लिए सहमत हो गई। At Ananya's house, they made more sweets and decorated together, filling the home with warmth and laughter. अनन्या के घर में उन्होंने ढेर सारी मिठाइयाँ बनाई और मिलकर सजावट की, जिससे घर खुशियों और हंसी से भर गया। On Diwali night, as they lit diyas and enjoyed sweets, the elderly woman said, "Diwali की रात जब उन्होंने दिए जलाए और मिठाइयाँ खाई, तो बूढ़ी महिला ने कहा, 'थैंक यू अनन्या, यू हैव मेड माय दिवाली स्पेशल.' धन्यवाद अनन्या, तुमने मेरी दिवाली आनंदमय बना दी." अनन्या रिप्लाइड, "योर हैप्पीनेस इज वॉट मैटर्स मोस्ट. Sharing joy is the true spirit of this festival." Ananya ने जवाब दिया, "दादी, आपकी खुशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और दूसरों के जीवन में उजाला फैलाना ही इस त्योहार की सच्ची खासियत है." Moral: the feeling of kindness to others and giving them happiness creates an ideal character. और हमें इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? तो दूसरों पर दया और उनको सुख देने की भावना एक आदर्श चरित्र का निर्माण करती है।
बच्चों, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको मजा आया? चलिए अब इस कहानी में से कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है cheerful, CHEERFUL, cheerful यानी कि आनंदित। अगला शब्द है festival, FESTIVAL, festival यानी कि उत्सव। अगला शब्द है decorating, DECORATING, decorating यानी कि सजावट करना। अगला शब्द है elderly, ELDERLY, elderly यानी कि बूढ़ा। अगला शब्द है alone, ALONE, alone यानी कि अकेले। अगला शब्द है celebrate, CELEBRATE, celebrate यानी कि उत्सव मनाना। अगला शब्द है kindness, KINDNESS, kindness यानी कि दयालुता। अगला शब्द है happiness, HAPPINESS, happiness यानी कि आनंद। अगला शब्द है spirit, SPIRIT, spirit यानी कि भावना। अगला शब्द है sharing, SHARING, sharing यानी कि साझा करना। बच्चों, जब आप इन शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ जान ही गए हैं, तो आइए इन कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न देखें। और हमारा पहला प्रश्न है, What is Ananya's favorite festival? And the options are A. Holi, B. Christmas और C. Diwali। Next question, what did Ananya notice while decorating outside? A. A cat playing, B. A sad elderly woman sitting alone, or C. Fireworks in the sky. Next question, what did the elderly woman wish for? A. To celebrate Diwali with someone, B. To buy new clothes, or C. To go on a vacation. Next question, how did Ananya respond to the elderly woman's sadness? A. She gave her some money, B. She told her to go home, or C. She invited her to celebrate Diwali together. Last question, what is the moral of the story? A. Kindness and sharing joy creates an ideal character, B. Festivals are only for family, or C. It is better to celebrate alone. अरे वाह, आपने तो सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने थीम बेस्ड शब्द देखे और दो नई कहानियां पढ़ी, और हमने इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए। तो दोस्तों, आपको आज का ये सेशन कैसा लगा? क्या आपको ये सेशन पसंद आया? अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ साझा करें। तो आज के लिए हमारा ये सत्र यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।